शर्मा, शुरुआत करेंगे कांकेर की बड़ी खबर के साथ। कांकेर की बड़ी खबर आपको बता दें, जंगलवार कॉलेज में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। जंगलवार कॉलेज में कोरोना कहर बनकर टूटा है। कोरोना की चपेट में 17 जवान आ चुके हैं। 17 जवान कोरोना की चपेट में आए हैं। जवानों को आइसोलेट किया गया है। संपर्क में आए जवानों की जांच जारी है। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जिलों से ये जवान पहुंचे थे और 250 जवानों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 17 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, जवान कोरोना की चपेट में आए हैं। 250 जवानों का सैंपल लिया गया था कोविड का, जिसमें से 17 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी को आइसोलेट किया गया है। अलग अलग जिलों से ट्रेनिंग के लिए जवान यहां पहुंचे हुए थे। जंगलवार कॉलेज में कोरोना का कहर देखने को मिला है। जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 17 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग सेशन इनका चल रहा था और अलग अलग जिलों से ये पहुंचे थे। 250 जवानों का सैंपल लिया गया था, जिनमें से 17 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि 250 जवानों का सैंपल लिया गया, इसमें से 17 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्या स्थिति इस वक्त इन जवानों की पता चल पा रही है? किस जगह पर इन्हें आइसोलेट किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिले में एक बार फिर से जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। ये जो जवान हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हुए थे। जंगलवार कॉलेज में इनकी ट्रेनिंग होनी थी, तो इस दौरान जो है जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, उनकी कोरोना जाँच की गई थी, जिसमें 17 जवानों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इन जवानों को जंगलवार कॉलेज में ही अलग से बैरक में आइसोलेट कर रखा गया है। जंगलवार कॉलेज के जो चिकित्सक हैं वो लगातार इनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सभी जवानों की स्थिति सामान्य है, किसी तरह की चिंता का विषय फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले सामने आए हैं ये बेहद चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो जवान ट्रेनिंग के लिए आए हैं इनके साथ ही बड़ी संख्या में जवान यहाँ पहले से मौजूद रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में जवान रहते हैं और एक दूसरे के संपर्क में ना, ये बहुत चिंता का विषय यहाँ पर हो जाता है। गौरव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो बाकी के जवान हैं उन्हें इस वक्त कहाँ पर रखा गया है? जी देखिए, जो ट्रेनिंग के लिए जवान आते हैं उनके लिए अलग से बैरक यहाँ पर तैयार किया गया हुआ है, और साथ ही कोरोना को देखते हुए एक अलग व्यवस्था की गई थी, अगर कोई जवान पॉजिटिव आता है तो उन्हें अलग से रखा जाए, जिसके चलते जो 17 जवान पॉजिटिव आए हैं उन्हें अलग बैरक में रखा गया है। साथ ही जो जवान ट्रेनिंग के लिए और पहुंचे हुए हैं जिनकी रिपोर्ट निगेटिव है, उनकी ट्रेनिंग फिलहाल शुरू कर दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव आपके तमाम जानकारी के लिए।